वक्त का जगाया हुआ नाम जय गुरुदेव। क्या खा पी कर हुए खराब अंडा मछली मांस शराब। गुरुदेव तुम अनाथ को करहु सनाथा शरण शरण दीन के नाथा। नाथ कृपा सेवक पर कीजे मन की दौड़ रोक प्रभु दीजे। राजा लोग ज्यादातर भोगी ही होते हैं, तो तब से चूके राज मिलत है, राज से चूके नर का। आप ये समझो कि स्वर्ग और वैकुंठ की आत्माएं जब मृत्युलोक में उनका समय पूरा हो जाता है भेजी जाती हैं, तो राजा महाराजाओं के यहाँ ही जन्म लेती हैं और वो भोगी होते हैं। गृहस्थों का अन्न खाते हैं, मेहनत करते नहीं हैं, भजन का रास्ता मिलता नहीं, भजन करते नहीं, धन के बल के पर के अहंकार में रहते हैं। बस करा कराया सब गया, जब आया अहंकार, अहंकार उनको खत्म कर देता है और नरकगामी हो जाते हैं। बोले बचाना चाहिए, क्योंकि संत जो होते हैं सबके होते हैं, सद्गुरु जो होते हैं सबके होते हैं, सभी जीवों के होते हैं, चाहे राजा हो चाहे महाराजा हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, भाव के प्यारे होते हैं, भाव के यानी भूखे होते हैं। तो निमित्त मात्र के लिए इंतजार कर रहे थे अपने भगत का, प्रेमी का। जब पहुंचा राजा का सेवक, तो प्रार्थना किया, गुरु जी आप चले चलो, हमारे राजा बड़े मुसीबत में हैं, हमारे मालिक बड़े मुसीबत में हैं, आप चले चलो, उन्होंने बुलाया है, आप दया कर दो उनके ऊपर भी। तो गए, तो बैठे। राजा ने प्रश्न किया, महाराज हम बहुत घूमे बहुत भरमे, कोई अनुयुक्ति ऐसी बाकी नहीं कि जिसने किसी ने बताया हो हमने न किया हो, लेकिन शांति नहीं मिल रही है। अरे तो बोले कहीं शांति खोजे नहीं मिल रही है, अब इसकी नदी हर तरफ बह रही है, ये तो देश ही ऐसा है अशांति का, यहाँ तो शांति नाम की चीज ही नहीं है। और जिस चीज में राजन सुख खोजा जा रहा है, इसमें शांति खोजी जा रही है, उसमें तो कभी शांति किसी को आज तक मिली नहीं, उसमें तो सुख मिला ही नहीं। भोग में इंसान सुख खोज रहा है और भोग में रोग पैदा होता है, भोग में तकलीफ आती है, तो राजन यहाँ का सुख है, यहाँ तो सुख है ही नहीं। राजा सोचने लगा, भाई जब यहाँ नहीं सुख है तो फिर कहाँ सुख है। देखो शरीर के लिए ही कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, देखो कुदरत ने भी फल फूल बनाया, गौ माता को दे दिया कि इनका दूध अमृत की तरह से है, उसका इस्तेमाल करो, साग सब्जी फल फूल मेवा मिष्ठान, ये सारी चीजें प्रकृति ने कुदरत ने इंसान के लिए बनाई। सुंदर सुंदर चीजें पेड़ पौधे पत्थर ये सब इंसान के लिए बनाया, सारी चीजें तो इंसान के सुख के लिए प्रकृति ने बनाई, लेकिन सुख नहीं मिला तो यहाँ सुख नहीं है, तो भाई और कौन सी दुनिया है और कौन सा लोक है जहाँ सुख होगा। अंदर अंदर राजा सोचता रहा, फिर कहा कि यानी समझो कि बांध दिया है राजन, बंधे पड़े हैं लोग, बंधन में है, बंधन तोड़ नहीं पा रहे, निकल नहीं पा रहे, निकलने का तरीका नहीं मालूम है। तो कहे कि भाई कौन सा बंधन। अरे बोले पहला बंधन पड़ा देह का, दूसरा त्रिया जान, तीसरा बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान,
और नाती के कहु नाती हो गए वाको कौन ठिकान। धन संपत्ति और हाथ हवेली यह बंधन क्या करूं बखान। चौलर पचलर सतल रसरी बांध लिया तो वो वेतान। मरे बिना तुम छूटो नहीं जीते जी धर सुनो न कान। जीते जी सुनते नहीं हैं और ये सब बंधन में जकड़े हुए हैं तो कहा महाराज बंधन को छुड़ाने का आने समझो किसी ग्रह आश्रम में रहने का और इसी में बंधन को ढीला करने का इसी में सुख शांति प्राप्त करने का तरीका आने समझो कि देवी देवताओं के पास भी है दया उनके पास भी है। मैं तो कोई देवता ऐसा बाकी नहीं जो मान्यता प्राप्त हो उसके पास में न गया उसके स्थान पर न गया। मैं तो बहुत भरमा मेरा समय बहुत चला गया तो महाराज वो भी अन्य दया नहीं किए वो भी समस्याओं को नहीं सुलझा सके। जैसे आप देखो दफ्तर में क्लर्क काम करते हैं अस्पताल में कंपाउंडर काम करते हैं कोई मामला जब उलझता है कोई फाइल उलझती है कोई केस उलझता है तो बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं और वो उसको सुलझाते हैं। फिर उनसे बड़े जो होते हैं सिविल सर्जन होते हैं यानी उनके पास जाते हैं आप समझो कि और वहाँ से नहीं सुलझता है तो और आगे से सुलझाते हैं। तो व्यवस्था जब इस तरह की है तो देवी और देवताओं के पास हमको सुख मिलना चाहिए शांति मिलना चाहिए ये जो बंधन आप बता रहे हो इससे मुक्ति मिलनी चाहिए। तो ये सवाल उन्होंने भी किया और उनके पास जो उनके विद्वान बैठे हुए थे यानी जो कुल पूज्य थे जो उनके गुरु थे यानी आप फिर समझो कि जिनको गुरु उन्होंने बना रखा था जो ये सब उपाय उनको बताते थे कराते थे देवी देवताओं के महत्व के बारे में समझाते थे वो भी वहीं बैठे हुए थे विद्वान बैठे हुए थे। तो वो भी यानी समझो कि इस बात को रखे इस प्रश्न को उनके सामने रखे। राजा तो शिष्ट ढंग से रखा लेकिन वो तो क्रोध में भी कुछ बोल गए। तब महात्मा ने कहा राजन अब आप ऐसा करो कि रस्सी मंगाओ। तो एक रस्सी मंगाया और राजा से कहा कि तुम राजन आप इनको जिनको गुरु मानते हो जो आपको अभी तक पूजा पाठ अभी तक शांति का यज्ञ कराते रहे शांति का अनुष्ठान कराते रहे और बताते रहे आप इनका हाथ पैर बांधो। मेरा कहना मानोगे? बोले मानेंगे हमको कोई चीज जब जानकारी करनी है जो मानने लायक है हम उसको जानने के लिए मानेंगे ही। तो हाथ पैर काटने के लिए तो आप कह नहीं रहे हो हाथ पैर बांधने के लिए ही कह रहे हो। अभी बांधे हुए फिर आपसे प्रार्थना करके खोलने का भी आदेश ले लेंगे। बोले हाँ ठीक है बांधो। फिर कहा राजा अब आप एक मिनट का अन्य अधिकार हमको दे दो। एक मिनट का अधिकार आप हमको दे दो अपना राजा का। बोले कि अच्छा चलो ठीक है एक मिनट का अधिकार आपको दे दिया। तो सिपाही वहीं खड़ा था कहा देखो अब मैं राजा हो गया। महात्मा ने कहा मान लिया तुम लोगों ने जल्दी करो इनको राजा को बांधो हाथ पैर इनका बांध लो। तो राजा का हाथ पैर मैंने बांध दिया। तो राजा से कहा कि राजन पंडित जी को खोलो खोल दो इनकी रस्सी। बोले मेरे हाथ पैर तो बंधे मैं कैसे रस्सी खोल सकता हूं। पंडित जी से कहा कि पंडित जी अब राजन की रस्सी खोल दो आप। बोले मैं भी बंधा पड़ा हूं मैं कैसे रस्सी खोल सकता हूं। सब महात्मा जी ने कहा सिपाही से कि अब तुम दोनों की रस्सी खोल दो या कहो मैं खोल दूं। तो सिपाही ने कहा महाराज अब आप ही खोलिए जब आप बंधवाए हो तब खोल दिया। तो आप समझो कि फिर महात्मा जी ने कहा गुरु जी ने कहा कि
कि जो खुद बंधन में है वो दूसरे के बंधन को क्या खोल सकता है। जो आने समझो कि मृत्युलोक में आने वाला है, जिसका सिस्टम यह है कि समझो नाशवान होना है, नाशवान है जो देश, नाशवान है जो शरीर, नाशवान है आने समझो कि खत्म होने वाली चीज है, अविनाशी नहीं है, नाशवान है, वो अविनाशी के पास कैसे पहुंचा सकता है, वो बंधन से मुक्त कैसे हो सकता है। अब आप ये समझो कि कभी कभी संतों की जो बातें होती हैं उसको लोग अटपटा मान लेते हैं और लोग विरोध भी करते हैं क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जितने भी पूरे संत हुए कोई भी बोलने में कोई कसर नहीं रखे, तो कहा ना उन्होंने, संत की ही वाणी है, अरे अज्ञा लाग बड़े भारी गगन में, अरे अज्ञा लाग बड़ी भारी गगन में, ब्रह्मा भी जल गए, विष्णु भी जल गए शिव जटा धारी गगन में, अरे अज्ञा लाग बड़ी भारी गगन में, देवी भी जल गए, देवता भी जल गए, जल गए ऋषि मुनि झारी गगन में, अरे अज्ञा लाग बड़ी भारी गगन। तो देवता का स्थान कहाँ होता है? स्वर्ग और वैकुंठ होता है, अंडलोक जिसको कहा गया वहां होता है, और ऋषि मुनियों की भी पहुंच ज्यादातर वहीं तक होती है, ब्रह्म से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आप ये समझो उधर जो होते हैं साध होते हैं संत होते हैं, उनका नाम ये पड़ता है, उनकी गति ऐसी होती है, तो ये सब नाशवान हैं, ये सब खत्म होने वाले हैं। आप ये समझो कि जो नाशवान होता है वो बंधन में होता है, वो नहीं आगे बढ़ सकता है, तो बंदी छोड़ कौन होते हैं? बंदी छोड़ होते हैं सतगुरु, वो बंधन को तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ते हैं? मोटे बंधन जगत के, ये जो धन का, पुत्र का, परिवार का, ये जो बंधन है ये मोटा बंधन कहा गया, इसको खोलना इसको तोड़ना आसान है। आप देखो किसी को मोटे रस्से से बांधो आसानी से खुल जाता है, लेकिन बारीक तार से यानी उसको बांधो, बारीक जाल में उसको फंसा दो तो निकलना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं मोटा बंधन कहा गया, तो मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, और जीने बंधन चित्र के कटे नाम प्रताप, और मोटे जब लग जाए नहीं जीने कैसे जाए, और याते सबको चाहिए नित गुरु भक्ति कमाए। तो अब आप ये समझो कि धन का, पुत्र का, परिवार का, मान का, प्रतिष्ठा का, वैभव का, ये जो बंधन में बंधे हुए हो, इसको अगर ढीला नहीं करोगे, इसको अगर तोड़ोगे नहीं, ये टूटेगा नहीं, चाहे थोड़ी देर के लिए ही हो, एक ही घंटे का हो, ध्यान अगर उधर से नहीं हटेगा, तो आप ये समझो कि अंदर का बंधन, जो चार शरीरों के अंदर ये जीवात्मा बंद है, स्थूल शरीर, लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इसका बंधन कैसे खत्म होगा? जब तक इस शरीर से जीवात्मा ऊपर नहीं निकलेगी, शब्द को नहीं पकड़ेगी, तब तक यानी वो शरीर छूटेंगे नहीं, ऊपर लोकों में जाएगी नहीं, तो बंधन नहीं कटेंगे। तो कहा गया पहले मोटे बंधन काटो। तो मोटे बंधन किसको कहते हैं? मोटे बंधन कहते हैं कि ये जो दुनिया के बंधन है। तो कहा गया कि मोटे बंधन कैसे कटेंगे? मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, और जीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। गुरु भक्ति कहते किसको हैं? भाई गुरु की मूर्ति बना लो, गुरु का फोटो लगा लो, फूल पत्ती प्रसाद चढ़ाओ और गुरु को प्रणाम कर लो, वो भक्ति नहीं मानी जाती है। भक्ति का मतलब क्या होता है? आदेश का पालन, गुरु के वचनों को समझना, गुरु के बताए रास्ते पर चलना, भक्ति होती है। कहा गया ना
कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। तो गुरु का ध्यान किस चीज की करो? अरे भाई, शरणों की करो, उनके शरीर की करो और उनके चेहरे की करो। तो ज्यादातर लोग अनुसमझो कि चेहरे के ही करते हैं, चेहरा ये इतना हिस्सा है। अब चेहरे में ही मुंह है, तो मुंह से जो वो बोलते हैं उसका पालन करो। हाँ, फिर समझो कि गुरु जो वचन है, गुरु का वो महामंत्र है। मैटर कठिन कोंक भाल के कितना भी संकट हो, कितनी भी तकलीफ हो, और यह महामंत्र जो उनके मुंह से बोलते हैं, वो जो देते हैं, नाम देते हैं, उसकी अगर कमाई करो तो बंधन से मुक्त हो सकते हो, बंधन से छुटकारा मिल सकता है, मोटे बंधन से छुटकारा मिल सकता है। आप कहा, आप ये समझो कि प्रार्थना की जाती है, मंत्र भजो गुरु का नाम। आप ये समझो गुरु के नाम को भजने के लिए कहा गया। अब अर्थ अगर न समझ पाओ, या जो नहीं समझ पाते हैं, तो जो माता पिता ने उनके शरीर का नाम रखा, परिजनों ने रखा, उस नाम को ही वो जपते रहते हैं और बोलते रहते हैं, कहते रहते कि इन्हीं का नाम हम ले लेंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा। मंत्र भजो गुरु का नाम, गुरु ने जो नाम दिया उसको पकड़ो, उसको पकड़ करके वो नाम जो धाम से आ रहा है, वो नाम जो अन्य समझो कि अनामी धाम से आ रहा है, उसको पकड़ो। आप समझो मुंह से बोलने वाला नाम से मुक्त नहीं होती है, कोट नाम संसार में ताते मुक्त न होए। और आज नाम जो जप है, समझो जो आज है, जिसका अन्य शुरुआत जहां से है, अनामी जहां का नाम ही नहीं है, वो तो नाम रहा संतनाधीना, संत बिना कोई नाम ने चीना। आप ये समझो वर्णात्मक नाम को तो ज्यादातर उन्हीं के मौज पर छोड़ देते हैं कि लोगों के फायदे के लिए इनको बता दो, जगा दो, इसको ताकत भर दो। और जो ध्वन्यात्मक नाम है, वो एक ही नाम है, हमेशा से चला आया। कितने संत आए चले गए, कितने युग बदल गए, कितना समय बदल गया, कितने दिन रात बदल गए, कितने महीने बदल गए, कितने मौसम बदल गए, लेकिन वो नाम नहीं बदला। अजर है, अमर है, अविनाशी है। तो वो नाम किसके अधीन है? संतों के अधीन वो भी नाम है। पूरे संत मिलते हैं और उनके मुंह से वो जो नाम यानी कानों के अंदर जाता है, वो आवाज जो उनके मुंह से निकलती है, वो उसको जब ग्रहण करते हैं, कमाई करते हैं, तब ये बंधन से मुक्ति होती है। और बंधन हो चाहे लोहे की बेड़ी हो, चाहे सोने की बेड़ी हो, चाहे लोहे की हथकड़ी हो, चाहे सोने की हथकड़ी हो, हथकड़ी तो हथकड़ी होती है, उन्हें तो ये जो पाप और पुण्य के बंधन में आपको बांध दिया काल भगवान ने, इसी में फंसे रह जाओगे। लेकिन पाप पुण्य जब दोनों नाश है, तब पावे मम पूर्वाश है। मंदिरों के नजदीक आप जाओगे तो वहां कंगले, भूखे और ये सब बैठे रहते हैं। बड़े बड़े लोग जाते हैं, रोटी खिलाते, मिठाई देते, फल फ्रूट देते हैं उनको, तो आशीर्वाद देते हैं। भूखे को भोजन कराना, पानी पिलाना, पूरी का काम होता है, तो उससे पूरी इकट्ठा होता है। लेकिन पूरी और पाप ये जब दोनों खत्म होंगे, ये दोनों बाधक हैं, पूरी करोगे स्वर्ग वैकुंठ में पहुंच जाओगे, वापस फिर आना पड़ेगा, पूरी छेड़े मृत्यु लोग के, तो कहाँ उद्धार हो पाया? आत्मा कहाँ अपनी जगह पर सतलोक पहुंच पाई? कहाँ मालिक के पास पहुंच पाई? इसलिए ऐसा काम करो कि जन्मना मरना ही बंद हो जाए, खत्म हो जाए ये। अब गुरु के वचन को यानी आप समझो मानना ही भक्ति है। गुरु के दिए हुए बताए हुए नाम को जपना ही भक्ति है।
तो आपको बताया गया, गुरु महाराज ने बताया, आपको साधना करना सिखाया, साधना के बारे में आपको बताया गया था, प्रार्थना के बारे में बताया गया था, सुमिरन के बारे में बताया गया था। तो आप सुमिरन करो, प्रार्थना करो, साधना करो, शरीर को साधो, बाल बच्चे और गृहस्थी जिसके बीच में हो उसको भी साध लो, उसको भी सेट कर लो, शरीर को भी अपने सुस्त दुरुस्त आप बना लो, उसको भी शरीर को भी साध लो, और आप प्रार्थना करके गुरु को भी साध लो, गुरु से भी दया ले लो, गुरु से भी कृपा ले लो। आप समझो कि ऐसी प्रार्थना बोलनी चाहिए, ऐसा सुमिरन करना चाहिए कि गुरु या प्रभु या ये धनी जिनका नाम का सुमिरन किया जाए उनके और आपके बीच में कोई ना हो। तो आप समझो कि आप कहोगे कोई ना का मतलब यह है कि एकांत में चले जाओ, जंगल में चले जाओ, या घर में ही एकांत बना लो जैसा बताया जाता है कि आंख बंद कर लो, कपड़ा डाल लो तो कोई नहीं रहेगा हमारे बीच में। लेकिन ये मन तो रहेगा, ये पापी मन तो रहेगा, ये कामी क्रोधी लोभी लालची अहंकारी ये मन तो रहेगा। तो उस समय पर मन को मना लो, कह दो भाई बहुत दिनों से तुम हमको भरमाए रहे, इंद्रियों के स्वाद में ही फंसाए रहे, चाहे हम जिस योनि में रहे लेकिन खाने और बच्चा कैदा पैदा करने में ही हमको लगाए रहे तुम, तो अब तो थोड़ा सा मान जाओ, अब तो हमारा साथ दे दो। जब हमारा तुम्हारा साथ रहा है, जीवात्मा का साथ शुरू से रहा है, हमारे अंदर जीवात्मा है उसका साथ अब भी तुम्हारे साथ है, तो थोड़ी देर के लिए साथ दे दो प्रेमियों। धीरे धीरे देखो कोई बछड़ा होता है, कोई घोड़ा होता है, कोई हाथी का बच्चा होता है, उसको साधते हैं, धीरे धीरे सध जाता है, साइकिल चलाना कोई सीखता है, गाड़ी चलाना सीखता है तो सध जाता धीरे धीरे, ऐसे धीरे धीरे मन भी सध जाएगा। और मन जब साथ दे देगा तो यही मन जो दुश्मन का काम कर रहा है, आपके शरीर को अपवित्र बना रहा है, आपके आँख कान नाक मुंह को दूषित कर रहा है, यही शुद्धता ला देगा, यही शुद्धता का साथ दे देगा आपके। और फिर जो प्रार्थना आप करोगे वो स्वीकार हो जाएगी, जो सुमिरन करोगे, ये धनी उन नामों को सुनेंगे और देखेंगे आपको, आपके ऊपर दया कर देंगे, और फिर जब इधर कोई बाधा नहीं रहेगी, तो जैसे शुरू में जितने भी लोग आए, जितने भी संत हुए, सब लोगों ने गुरु को ही प्रणाम किया, गुरु की ही वंदना किया, बंद हो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर्णिकर बंद हो गुरुपद परम्परागा सरसुभाष सरसंग गोस्वामी जी महाराज ने लिखा। आप देखो कबीर साहब ने भी गुरु किया, गोस्वामी जी ने किया, पलटू नानक दादू मेरा जितने भी आए, रामकृष्ण जितने भी आए, सब लोगों ने गुरु किया और गुरु के अधीन रहे, गुरु की वंदना किया, गुरु को ही सब कुछ माना, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, तिनकी कृपा धनुजन हमारे, राम ने खुद कहा। तो अब आप ये समझो ऐसे गुरु के लिए भी संत मत में, ऐसे ही गुरु के लिए संत मत में भी बताया गया, सबसे पहले गुरु का ध्यान करो, गुरु को आने समझो प्रणाम करो, और फिर धनियों को प्रणाम करो, और फिर उसके बाद में तब सुमिरन करो, तब उसके बाद में ध्यान करो लगाओ, और फिर उसके बाद में भजन करो, और जब ध्यान कर लो भजन कर लो तो फिर इसी तरह से संपुट लगा दो। तो आप समझो कि उनको भी जब याद करोगे तो वो तो बेताब है जलवा दिखाने के लिए, फिर समझो कि ऊपर लोगों में जो जलवा हो रहा है उसको दिखाने के लिए तो वो बेताब हैं, आपको ले जाने के लिए वहाँ बेताब हैं। लेकिन जब आप उनको ही नहीं याद करोगे, आप मल्लाह को ही नहीं याद करोगे कि आ जाओ नाव लेकर के, जिसके हाथ में पतवार है, जिसके हाथ में जहाज का रिमोट है, जिसके हाथ में जहाज की चाबी है, जब उसको ही नहीं याद करोगे तो कैसे आप पार हो पाओगे।
इसलिए आपके ऊपर जब दया हो जाएगी, खुश हो जाएंगे, उनके वचनों के पालन में जब लगोगे, अच्छे बन जाओगे, प्यारे बन जाओगे, तो मदद कर देंगे। और मदद कर देंगे तो दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, एक ही जन्म में काम हो जाएगा। तो बोलो जय गुरुदेव। आप ये समझो कि जब संत आए तो संतों ने अनु समझो कि इधर का ये सब खत्म कर दिया, क्योंकि इसमें बहुत समय लगता है उनको याद करने में, उनको पुकारने में और मन को रोकने में और मन को विषय वासनाओं से हटाने में समय लगता है बहुत। और इस समय पर घोर कलयुग चल रहा है। आप ये समझो कि इस समय पर पूरे विश्व में 80% से भी ऊपर लोगों के हत्या का पाप लगा हुआ है। हत्या का, कौन सी हत्या? जीव हत्या का। अच्छा, कर्म जो करता है कहते हैं पुण्य मिलता है, उससे पुण्य का फल मिलता है। और जो पाप करता है, यानी समझो बुरा कर्म करता है, उसके ऊपर पाप लगता है। अब आप देखो कि धाराएं यहाँ बनी हुई हैं, यहाँ का कानून बना हुआ है। क्या बना हुआ है? कि जो हत्या करता है उसको भी पाप लगता है, और जो बंदूक देता है हत्या के लिए उसको भी सजा मिलती है। और जो योजना बनाता है कि इस तरह से तुम जाना, और घर से जब निकलेंगे एकांत में पहुंच जाएंगे तब बंदूक से मारना, तो ये सब सजा के भागी हो जाते हैं। ऐसे सब लोग सजा के भागी हो रहे, चाहे जान में हो रहे चाहे अनजान में हो रहे। कोई जान के किसी को मरवा देता है वो भी हत्या का भागीदार हो जाता है, और मरवाने वाले के साथ में जो रहता है वो भी उस कानून के दायरे में आ जाता है कि तुम इसके साथी हो, इसका साथ दिया तुमने, इसका साथ किया तुमने। तो अब आप ये समझ लो कि ये बड़ा गहन विषय है, इसको प्रेमियों आपको समझने की जरूरत है कि हत्या जिसने किया, जीवों को जो मारता है, काटता है, लाता है, खाता है, खिलाता है, और जो उसका साथ करता है, उससे जो जुड़ा हुआ है, उसके बर्तन में जिसमें मांस पकाया गया खाता है, उसको खुशी होती है कि हम दावत दे रहे हैं, हम बुला रहे हैं इनको, जा रहे हैं, खा रहे हैं, सब हत्या के भागीदार बन जाते हैं। मांस खाना बहुत बड़ा पाप बताया गया। मांस लोग कहते हैं कि मांस खाओगे शरीर बन जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा, पुष्ट हो जाएगा। बहुत से अज्ञानी डॉक्टर हैं जिनको नहीं जानकारी है, कहते हैं अंडा खाओगे ताकत आ जाएगी, शरीर बन जाएगा, शरीर के अंदर ताकत आ जाएगी। अब शरीर तो सूखी रोटी से भी चल सकता है, इसमें भी ताकत रहती है, लेकिन जो शरीर सूखी रोटी से, सादा खाना खाने से, शाकाहारी खाने से चलता रहता है, उससे जब ज्यादा ताकत उसमें आ जाती है तब मन किधर ले जाता है? विषयों की तरफ ले जाता है। अब जो मांसाहारी हैं, मांस जब खाने लगे, ताकत जब बढ़ने लगी, आप ये समझो कि मांस पकने में जब आने समय लोग की दिक्कत हुई, क्योंकि मांस गलता नहीं है, आप रोटी डाल दो पानी में, थोड़ी देर के बाद देखोगे कि घुल जाएगा उसी में, लेकिन मांस जल्दी घुलता नहीं है। तो जब वो पका हुआ मांस भी अंदर चला जाता है, आप देखो कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं
कि जो पानी में और जो उसमें पकाते हैं जिस चीज में, उसमें मिल नहीं पाती हैं, उनके टुकड़े अलग ही रहते हैं। जैसे चिकनी चीजें जो होती हैं, उसकी चिकनाहट खत्म नहीं होती है, उसमें मिल नहीं पाता है। तो पेट में जब वो चला जाता है तो अंदर घुलने में दिक्कत होती है, आप ये समझो जल्दी पचता नहीं है। तो शराब किस चीज से बनाते हैं, अल्कोहल से बनाते हैं, उसमें ऐसी चीज रहती है कि जो पेट में पड़ी हुई चीज को जल्दी से घुला देती है। मतलब शराब पीने लगे मांस को गलाने के लिए, मांस को शरीर के अंदर पचाने के लिए। अब जब शरीर के अंदर जब शराब गया तो बुद्धि खराब हो गई, और उधर जो अलग से ताकत मिली मांस खाने के आने से ताकत शरीर को जो मिली तो बुद्धि खराब हुई। तो आदमी अपने नियत को खराब कर लिया, दूसरे की औरतों की तरफ नजर चली गई, बाजार के औरतों की तरफ चला गया, और वहां पर अपने जो कीमती और जो शुद्ध सात्विक शुक्राणु थे उनको उधर फैला दिया, उधर फेंक दिया। इधर मांसाहारी समझो अपने शुक्राणु को जब दिया उसको अपनी औरत को और उससे बच्चा बना, तो वो जो शुक्राणु हैं वो सारे के सारे बच्चे के शरीर में उसी तरह से फैल गए जो उस तरह के थे। आप ये समझो कि जो ऐसा भाव रखते हैं कि एक कोई अच्छा संतान पैदा हो जाए, ध्रुव जैसा पैदा हो जाए, भरत जैसा पैदा हो जाए, प्रहलाद जैसा पैदा हो जाए, राम जैसा पैदा हो जाए, रहीम जैसा पैदा हो जाए, मोहम्मद जैसा पैदा हो जाए, कृष्ण जैसा पैदा हो जाए, भगत सिंह चंद्रशेखर, अशफाकुल्ला खान जो देशभक्त थे, महात्मा गांधी जैसा पैदा हो जाए, जो इसके भाव जिस तरह से रहते हैं उसी तरह के बच्चे पैदा होते हैं। और जो काम वासना बस समझो कि बच्चा पैदा करते हैं, आप समझो उनके बच्चे उसी तरह से व्यभिचारी प्रवृत्ति के पैदा होते हैं। तो मनुष्य जो है वो पशुओं से भी समझ लो कि बत्तर जिसको कहते हैं वो हो गया, समझ लो कि पशुओं से भी एक तरह से नीच प्रकृति में चला गया। अब आप समझो कि ऐसे समय में ये चीजें आध्यात्म और धर्म कर्म लोगों के समझ में क्या आ सकता है, वो तो बस वही पसंद करेंगे कि बस भगवान का नाम ले लो और पूजा पाठ जैसे लोग करते हैं ऐसे कर लो। अब घर में तो बहुत से लोग देखो बैठेंगे भी नहीं आज, समझो वही जो घर के दो एक लोग हैं धार्मिक प्रवृत्ति के तो उस घर को चला रहे हैं, जिनके पूर्ण प्रताप से घर चल रहा है, जिनके समझो कि शक्ति से अंदर की पावर से विल पावर से घर चल रहा है, वही लोग ये भी करते हैं। तो अब ऐसे अगर देखा जाए तो बहुत ही वातावरण खराब हो रहा है। अब ऐसे समय में अगर लोगों का खान पान नहीं सुधरा, चाल चलन अगर नहीं सुधरा तो न तो देवता को समझ सकते हैं, न भगवान को समझ सकते हैं, और ये इस धरती पर भार रूप में जैसे पशु और ये पक्षी चलते हैं और काफी करके मर जाते चले जाते हैं, भार के रूप में होते हैं। तो आप समझो किसी तरह के इसी तरह से रह जाएंगे। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो।
आने वाली बीमारी तकलीफों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।